नया साल जीवन में नई खुशियां लेकर आए, इस वजह से लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। मंगल कामनाओं के साथ नए साल के लिए नए संकल्प लेते हैं। पुरानों सालों की चुनौतियों और जो संघर्ष होते हैं, जो अशुभताओं को भूलकर आप भी नए साल में अपने साथ यानी कि कोई शुभ काम ऐसा करें जिसमें घर में खुशियां आए और धन की कभी कमी ना महसूस हो। तो वास्तु के अनुसार साल 2023 शुरू होने से पहले कुछ चीजों को आप अपने घर से बाहर कर दीजिए। घर में रखी ये चीजें अशुभ होती है। ये चीजें अगर घर में रहती है तो बरकत कम होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भर जाती है, जिस वजह से घर में परेशानियां खत्म नहीं हो पाती और परेशानियां लगातार बनी रहती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों, नए साल पर माँ लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने के लिए, नए साल की शुभ मंगलमय शुरुआत करने के लिए आप इन चीजों को घर से बाहर अवश्य ही निकाल दें। आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें नया साल शुरू होने से पहले घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है खंडित मूर्ति। नए साल के स्वागत से पहले पूजा घर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। ध्यान रखें, मंदिर से खंडित मूर्तियां जरूर हटा दें। टूटी या खंडित मूर्तियां घर में रखना अशुभ माना जाता है। गंदे पूजा घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का आगमन फिर ऐसे में नहीं होता है। आपने देखा होगा कि दीपावली पर भी पुरानी जो मूर्तियां होती हैं हटाई जाती हैं, उन्हें भी तुरंत घर से हटा दें। जो आपकी पुरानी मूर्तियां जैसे कि टूटी फूटी हो, तस्वीर हो, फोटो हो, खंडित मूर्तियां पुरानी, जैसे दीपावली पर आप हटाते हैं, उसी प्रकार से नए साल आने से पहले ही आपने हटा दिया। फिर अगर भगवान की कोई मूर्ति है, जैसे मान लीजिए वो टूटी फूटी नहीं है, खंडित नहीं है, तो उनमें शुद्ध जल का छिड़काव जरूर कर दें। या फिर उन्हें जैसे कि टूटी फूटी है मूर्तियां है फोटो है, तो उन्हें जल में प्रवाह कर दें। अपने घर में भूलकर भी आप इन चीजों को न रखें। खंडित मूर्तियों की पूजा करना या फिर खंडित पुरानी मूर्तियों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार खंडित मूर्तियां घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ती है और इससे आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नया साल शुरू होने से पहले इन्हें तुरंत ही किसी पवित्र स्थान पर रख दें या फिर नदी में प्रवाहित कर दें। दूसरी चीज है खराब घड़ी और ताले। घड़ी का समय सूचक होता है, यानी कि अच्छे समय का सूचक होती है घड़ी, निरंतर चलती रहती है। इसलिए वास्तु के अनुसार घड़ी की प्रगति का निरंतर आगे बढ़ते रहने से जोड़कर देखा जाता है, इसे रुकना नहीं चाहिए। यदि आप घर में टूटी हुई या फिर बंद हुई पड़ी घड़ी रखते हैं तो उसे घर से बाहर निकाल दें या फिर उसे मरम्मत करा लें, ठीक करा लें और सही करा लें। माना जाता है कि खराब घड़ी नकारात्मकता को बढ़ाती है और इससे आर्थिक तंगी भी होती है। खराब घड़ी जो घर में पड़ी रहती है तरक्की में बाधाएं बनने का काम करती है। इसलिए इस तरह की घड़ी को आप तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल दें। घड़ी की तरह घर में बंद पड़े ताले को या फिर तो सही करवा लें या फिर आप उन्हें बाहर कर दीजिए। ताला वगैरह भी टूटा फूटा ना रखें। बंद ताले की तरह आपकी किस्मत का ताला भी बंद हो जा सकता है, इसलिए बंद ताले को यानी कि ऐसे ताला को कभी भी आप अपने घर में ना रखें। खराब ताला बिल्कुल ना रखें, तुरंत अपने घर से बाहर निकाल दें। दोस्तों, तीसरी चीज है खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई बार हमारे घर में खराब मोबाइल के चार्जर, पुराने मोबाइल, पुराने वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, खराब पुराने बल्ब और खास करके खराब पुराने तारों के ढेर लगे रहते हैं। इन पर हमारा ध्यान ही नहीं देते हैं। वास्तु के अनुसार घर में खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक चीजों को नकारात्मकता ऊर्जाओं का प्रभाव माना जाता है, इसलिए जिसके कारण हमारी आर्थिक तंगी और कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान दें। आप तुरंत ही इन्हें हटा दें, घर से बाहर कर दीजिए। इन्हें बाहर निकालने से घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुरानी चीजें जितनी भी सामान है घर से वास्तु के अनुसार इन्हें रखना अशुभ माना जाता है। अगली चीज है टूटा हुआ या फिर चटका हुआ कांच का टुकड़ा, शीशा। यदि आपके घर में खिड़की टूट गई है, दरवाजे में कांच लगा टूट गया, फिर आप जिस आईने को देखते हैं कहीं से टूट गया है, तो आप तुरंत ही इन्हें ठीक करा लें या फिर आप किसी बाहर फेंक दें, बाहर कर दें। यदि आपके घर में रखा है ऐसा चटका हुआ या फिर टूटा हुआ, तो उसमें चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से दुर्भाग्य आता है, इसलिए यदि आपके घर में कोई भी टूटा हुआ आईना है तो तुरंत ही उसे घर से बाहर निकाल दें। टूटे हुए कांच के सामान, अगर कोई कप प्लेट कांच का है, कांच के बर्तन वह भी टूट गया है, तो इनको भी इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए कांच या फिर शीशे की चीजें घर से बाहर निकाल दें, राहु की अशुभता बढ़ती है। दोस्तों, अगली चीज है चप्पल वगैरह कपड़े, जूते चप्पल कपड़े भी आप घर से बाहर निकाल दें। नया साल आने से पहले घर से बाहर निकाल दें तो माता लक्ष्मी कृपा बरसती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, अगली चीज है जैसे कि झाड़ू। अगर आपके घर में पुराना टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो आप झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल दें।
टूटा हुआ झाड़ू बिल्कुल भी आप ना रखें अपने घर में, क्योंकि टूटी हुई फूटी हुई झाड़ू घर में रखने से घर में दरिद्रता आती है, घर में कलह क्लेश बढ़ते हैं, घर से सुख शांति चली जाती है, घर में बेचैनी बनी रहती है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं, पति पत्नी के बीच संबंध गायब हो जाते हैं, अनेक प्रकार के दुर्भाग्य अपने घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए टूटी फूटी हुई झाड़ू भी ना रखें। और साथ ही साथ नया साल आने से पहले विशेषकर इस बात का ध्यान दें कि आप अपने घर में साफ सफाई जरूर कर लें और घर को बिल्कुल पेंटों से रंगों से चमका दें। इस बात का ध्यान रखें, गंदगी बिल्कुल ना रखें, कूड़ा कचरा ना रखें। अक्सर लोग कूड़ा कचरा रख देते हैं घर में, पॉलिथीन वगैरह, थैलियां वगैरह, गंदे बैग वगैरह, यानी कि टूटी फूटी जो भी चीजें हैं इन्हें तुरंत बाहर घर से हटा दें, तो इससे माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति बरकत सदैव बनी रहेगी, घर में खुशहाल जीवन जिएंगे, माँ लक्ष्मी के प्रवेश करने का यानी शुभ समय हो जाता है, शुभ अच्छा अवसर प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती है नए साल में जिस घर से गंदगी यानी कि जो टूटी फूटी चीजें हैं बिल्कुल बाहर चली जाती हैं। तो माता लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करवाने के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको यानी कि इन चीजों को बाहर निकाल दें, जिससे माता लक्ष्मी कृपा आपके घर परिवार में सदैव बनी रहे, कभी भी गरीबी दुख दरिद्रता का कारण ना बने। तो आपको इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये चीजें यानी आपको घर से बाहर निकाल दें। और अगर मान लीजिए आपकी कोई कीमती चीज जैसे कि कपड़े वगैरह भी फट गए हैं तो इन्हें भी बाहर आप निकाल दें, तो साल भर माँ की कृपा हमेशा बनेगी। अगर स्वच्छ रहेगा घर, साफ सुथरा रहेगा, तो माता लक्ष्मी जी के आगमन का हमेशा द्वार पर यानी कि उनका प्रवेश द्वार बना रहेगा। तो दोस्तों अगर यह खास जानकारी आपको पसंद आई है और माता लक्ष्मी जी सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों यानी इस वीडियो को, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें।